character cannot be developed in ease and quiet. Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब राजा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रखा, उसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, दंतवक्त्र, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। जब भानुमति हाथ में माला लेकर स्वयंवर के दरबार में आई, दुर्योधन उसे देखकर चाहा कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो दुर्योधन सभी के सामने भानुमति का हरण कर ले जाने की कोशिश किया। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर समझाया कि भीष्म भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर ले आए। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों को दो संतान हुए। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मार दिया, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह श्री कृष्ण के जाम्बवती से जन्मे सांब से हुआ था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध रहा करता था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र जैसे रहते थे। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। जब खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति दुर्योधन के आना देखकर खड़े होने की कोशिश की। कर्ण की पीठ दरवाजे के तरफ होने से दुर्योधन का आना ना जानते हुए हारने के कारण भानुमति उठ गई समझकर उसको पकड़कर बिठाना चाहा। जब कर्ण के हाथ लगने से भानुमति के मोतियों की माला टूट गई और उसके घूंघट भी बिछर गई। उसी वक्त कर्ण दुर्योधन का आना देखकर दोनों शर्मिंदा खड़े रह गए, और कर्ण को यकीन था कि दुर्योधन उन पर अभद्रता का आरोप लगाएगा। लेकिन दुर्योधन ने भानुमति से कहा कि क्या मुझे सिर्फ मोती इकट्ठा करना चाहिए या मोतियां समेट कर माला भी बनाना चाहिए। दुर्योधन को भानुमति के प्रति विश्वास और महान प्रेम था, और इससे भी अधिक उनके मित्र कर्ण पर उनका विश्वास था। एक पल के लिए भी उसे संदेह नहीं था कि जिस आदमी को उसने अपना भाई माना है, वह कभी भी उसके साथ विश्वासघात करेगा। यह कहानी व्यास महाभारत में नहीं है, लेकिन आमतौर पर दुर्योधन और कर्ण के मित्रता की चर्चा पर यह बताया जाता है। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शक्तिशाली थी। सती पर्व में गांधारी से बताया गया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था।